नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। विधानसभा में आज पबजी जैसे गेम की तरफ ध्यान आकर्षण किया गया। मुझे लगा था कि पबजी जैसे गेम को 7 राज्यों में प्रतिबंधित किया गया है। मुझे पूरी उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश सरकार विशेषकर सचिवालय प्रथम प्राथमिकता देगा। मेरा आग्रह पर ध्यान आकर्षण तो किया गया है, लेकिन मेरा यह पहले दूसरे या तीसरे क्रम पर होता तो यह गेम जल्द से जल्द बंद हो जाता। यह आर्थिक रूप से भी यह गेम बच्चों और माता पिता दोनों को परेशान कर रहा है। बीमारी का शिकार हो गए हैं। मेरा जिंदगी आगे करने से मुझे उम्मीद थी कि लोकहित का है, जनहित का है, युवाओं को बचाने का है। कुछ नल जल योजना है, गिनती गति धीमी है, वो ध्यान नहीं आ रही है। थोड़ा सा वो जो पबजी जैसा खेल खेला जा रहा है, एक ग्रुप बनता है, एक समूह बनता है। माता पिता सोचते हैं कि बेटे 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 पढ़ रहे हैं और ये समूह रात भर 3-3, 4-4 बजे तक अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। मैं उस जिले से आता हूँ जहाँ पर अफीम होती है। अफीम के नशे की चिंता, ड्रग माफियाओं की चिंता, और आज एक नया विकल्प के रूप में पबजी को हिंदुस्तान के 7 राज्यों ने प्रतिबंधित किया है। मुझे पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास और पूरा भरोसा था कि मेरे इस ध्यान आकर्षण को मध्य प्रदेश की सरकार, विशेष करके सचिवालय प्रथम प्राथमिकता पर लेगा, क्योंकि एक योजना तो बनना चाहिए। आर्थिक रूप से भी उनके माता पिता परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वे इधर उधर जाकर के आर्थिक बंद करते हैं, क्योंकि नेट बार बार घर चलता है, उसका भी खर्चा उनके सर माथे आन पड़ा है। और उसके कारण से अगर आप देखेंगे पबजी के खेल में जो खेल खेला जा रहा है, किस प्रकार से क्रिस्टल है, किस प्रकार से अपराध, किस प्रकार की प्रवृत्तियाँ, ये सब रात रात भर बच्चे जब देख रहे हैं, नौनिहाल बच्चे देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि चिंता का विषय था। गुजरात ने बंद किया, बेंगलोर ने बंद किया, कर्नाटक ने बंद किया। मुझे पूरी उम्मीद थी कि हिंदुस्तान के 7 राज्यों के साथ उसको लेकर के सरकार चिंतित होगी, चिंता करेगी, लेकिन मेरा ध्यान आकर्षण ग्राह्य तो किया है, उसका तो मैं धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अगर पहले दूसरे तीसरा क्रम में होता, शायद आज हाउस में सदन में डिस्कशन होता और एक नीति बनती। मुझे पूरी उम्मीद थी, पूरा विश्वास था, लेकिन मैं आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इस गंभीर विषय को आम जनता तक और उन पालकों के ऊपर भी, माता पिता के ऊपर भी, कि बच्चों पर पहली निगाह रखें कि रात रात ये आखिर क्या खेल खेल रहे हैं, बच्चे का खेल खतरनाक हो। खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। देश प्रदेश की खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए खबर समय जगत।